अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक और स्टूडियो अपडेट शेयर कर रहे हैं। हम पिछले 2 साल से अपना स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और जैसे जैसे हम चीज़ें उसमें अपडेट करते जा रहे हैं, हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो हमने आपके साथ शेयर किया था जब हमने स्टूडियो कारपेट लिया था, और फर्नीचर के लिए जो हम हंट कर रहे थे वो भी हमने आपके साथ शेयर किया था। तो आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं आज? तो आज हम जो है मेजरमेंट्स लेंगे अपने दरवाजे और खिड़की की, और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चिक्स लेने वाले हैं अपने स्टूडियो के लिए। हम बड़े कॉन्फ्लिक्टेड थे कि पर्दा लें या चिक लें, तो एंड में हमने चिक पे फाइनलाइज किया। वो भी शेयर करते हैं हमने कैसे क्यों किया, क्या वजूहत थी, और फिर हम आपको लेके जाएंगे फैज़ाबाद, वहाँ पे हम जो अपना ऑर्डर करेंगे प्लेस, और फिर एंड में आपको दिखाएंगे जो एंड प्रोडक्ट जो आता है वो हम कैसे लगा रहे हैं। तो हम लेकिन हम क्यों लगा रहे हैं पर्दा या चिक जो भी, लेट्स डिस्कस दैट। अच्छा, पर्दा का था, आपको पता है जैसे आप अंदर ले जाए इनको स्टूडियो के, चलो आ जाए, चलो स्टूडियो चलो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो दीवार है वो ईंटों की बनी हुई है, ये असली ईंटें हैं, ये कोई वो टाइल वाइल नहीं है या कोई गुटका नहीं है। तो अब हम बड़े केयरफुल हैं कि कोई भी चीज़ हम इस पर कील वील ना ठोकें बिला वजह की, अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरा जो था पर्दे का, एक मुझे लग रहा था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है रमा का, आई डोंट नो, कि अगर हम पर्दा लगाएंगे तो स्टूडियो की लुक थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। मुझे लगता है थोड़ी बहुत लाइट लीक होती है, और आज की गर्मियों में थोड़ा स्टूडियो गर्म भी हो रहा है, तो उसमें मुझे लगता है इसका ना हेल्प। तो अभी हम मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट्स लेने के बाद हम फैज़ाबाद पहुंच गए। यहाँ पे चिक्स और तरपाल की दुकान साथ साथ है। हमने इस्लामाबाद तरपाल हाउस से अपने स्टूडियो के लिए पैराशूट का कपड़ा लिया। ये वाटरप्रूफ कपड़ा है और कई कलर्स में अवेलेबल है। हमें अपने स्टूडियो के लिए ब्लैक कलर का कपड़ा लेना था। अब ब्लैक में भी कई शेड्स अवेलेबल थे, इनमें कई डिज़ाइन अवेलेबल थे। हमें बिल्कुल डार्क ब्लैक और बिल्कुल प्लेन कपड़ा लेना था, तो हमने ये वाला कपड़ा सेलेक्ट किया। इसी दुकान के बराबर में चिक्स की दुकान भी है, और यहाँ पे कई तरह की चिक्स अवेलेबल हैं। ये एक एग्जांपल है सादी चिक की, जो आप इंडोर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैराशूट के कपड़े के साथ भी चिक्स अवेलेबल हैं। ये सिंगल साइडेड पैराशूट का कपड़ा लगा हुआ है, हमें अपने स्टूडियो के लिए इसी तरह की चिक लेनी है। और इधर डबल साइडेड चिक्स भी अवेलेबल हैं अगर आप अपने घरों के लिए ढूंढ रहे हैं। हमें सिंगल साइडेड चाहिए थी, और पैराशूट के कपड़े की कॉस्ट हमें तकरीबन 2500 पड़ी है, और इस चिक की प्राइस भी तकरीबन 2500 है। तो एक चिक हमें टोटल पड़ी है 5000 रुपये की, और हमारा टोटल ख़र्चा आया है 10000 रुपये का, क्योंकि हमने अपने स्टूडियो के लिए 2 चिक्स ली थी, एक दरवाज़े के लिए और एक खिड़की के लिए। तो हमसे कहा गया था कि हमारी चिक्स 2 दिन में रेडी हो जाएंगी, लेकिन एज यू ऑल नो पाकिस्तान में मिस कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। तो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और हमने 2 दिन बाद उनको कॉल किया, एंड एज एक्सपेक्टेड हमारी चिक्स रेडी नहीं हुई थी, और उन्होंने हमसे माजरत की और मज़ीद 1 हफ्ते का टाइम मांगा। फिर हमने 1 हफ्ते बाद जाके अपनी चिक्स उठाई।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप अपने घर के लिए चिक्स ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। Please follow me on Instagram and Facebook and don't forget to subscribe to my YouTube channel and I shall be back soon.